हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है, इफ़ ए इज़ अ सेट हैविंग एलिमेंट ए बी सी डी एंड ई एंड बी इज अ एलिमेंट हैविंग एलिमेंट सी डी ई एफ एंड सी इज अ एलिमेंट सॉरी सेट हैविंग एलिमेंट बी डी एंड डी इज आल्सो अ सेट हैविंग एलिमेंट ए एंड ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है वो ट्रू है या फॉल है। तो पहले सॉल्व करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। सबसेट हम किससे कहते हैं, तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में सेट्स गिवन है, जैसे सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है सी डी ई एफ। अगेन सेट सी हैविंग एलिमेंट बी एंड डी एंड लास्ट वन सेट डी हैविंग एलिमेंट ए एंड ई। तो मैंने कहा था हमें सबसेट की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो क्या होता है सबसेट, मैं आपको बता देता हूँ। तो इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जैसे कि अगर हमारे पास दो सेट गिवन है, जैसे कि यहाँ पे चार है, अगर हम दो सेट की बात करें, सेट ए और बी, अब बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सभी सेट ए के अंदर अगर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो ए का सबसेट है और उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ओके, इसे ये कहलाती है सबसेट की डेफिनेशन। तो सभी एलिमेंट सेट के अंदर के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं तब वो क्या कहलाता है, उसका सबसेट कहलाता है। तो इसी तरह से स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन है तो हमें बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है करके, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, कहाँ गया, सी इज अ सबसेट ऑफ बी, इस तरह से यहाँ पे गिवन है। तो इससे क्या, इसका क्या मतलब हो रहा है, सी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो हमें बी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो सी के अंदर क्या है, बी है डी है, बी तो नहीं ये पर डी प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है, सबसेट नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी के सी के अंदर के जितने भी एलिमेंट है वो सभी बी में प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन बी में डी तो है बट बी नहीं है। ओके, देन सेकंड वन, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। अब इसका क्या मतलब है कि ए जो है बी डी का सबसेट है, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सभी डी में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देख, हमें डायरेक्टली दिख रहा है डी के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट है और ए के अंदर छः एलिमेंट है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग है, सो इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। देन थर्ड वन, D इज़ अ सबसेट ऑफ B। अब D B का सबसेट है, यानी अब D के अंदर क्या है, A है और E है, तो B के अंदर C है, E है, A नहीं है, यानी कि इट इज़ आल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, फोर्थ वन, D इज़ अ सबसेट ऑफ A। हाँ, ये कुछ होगा, अब डी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सभी ए में होना चाहिए, डी के अंदर है ए और ई, तो ए के अंदर ए भी है और ई भी है, ये यानी कि ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, डी एक्चुअल में ए का सबसेट है, तो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिफ्थ वन, बी इज अ सबसेट ऑफ ए,
अभी ए का सबसेट है या नहीं, तो सी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है, एफ प्रेजेंट है, यानी कि बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट दैट इज सी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब बी और डी सी में है, बी और डी ए में भी है, यानी कि इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ लिख देना इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सबसेट क्या होता है वो हमें ध्यान में रखना है। क्या है, अगर किसी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट दूसरे किसी सेट में प्रेजेंट है, तो पहला वाला सबसेट हो जाएगा दूसरे वाले सेट का। ओके, बड़े का छोटा सबसेट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन गिवन है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। तो पहले तो यहाँ पे मैं बता दूँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो आपको जानना ज़रूरी है। देन उसके बाद में वेन डायग्राम भी हम देख लेंगे। तो देखो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है एक सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर से हम कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वेरिएशन है वो हम कलेक्ट करते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट के में क्या, स्टूडेंट कहाँ होते हैं, क्लासेस में होते हैं, 8, 9, 10 क्लास में होते हैं, कुछ ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, कुछ वीक स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए अगर हम जो स्कूल की बात करें, स्कूल के स्टूडेंट, तो स्कूल क्या हो जाएगा हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यानी कि स्कूल के अंदर सभी टाइप के स्टूडेंट आ जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर, ठीक है ना, तो ये सभी नंबर किस में आते हैं, ये सभी नंबर आते हैं रियल नंबर में। तो नंबर्स के लिए जो रियल नंबर हो जाएंगे, ये रियल नंबर क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम डिफरेंट टाइप के पीपल्स की बात कर रहे हैं ना, इंडिया के, महाराष्ट्र के, फॉरेन के, तो इसके लिए अगर हम जो सेट लेंगे वर्ल्ड, पीपल ऑफ वर्ल्ड, तो वर्ल्ड जो हो जाएगा ये हो जाएगा पूरा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जितने भी पीपल है वर्ल्ड के अंदर ही होने वाले, तो उनकी उनके अंदर ही हम अलग अलग तरह की कैटेगरी और वेरिएशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो सबसे बड़ा सेट कहलाता है ना, जिसके अंदर से हम छोटे 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 सबसेट्स निकालते हैं, तो उस सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी कि सबसे बड़ा सेट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टू में हमें गिवन है कि हमें एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेना है जिसके अंदर नंबर्स कहाँ से, 1 से लेके तो 20 तक के नंबर है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये हमारा कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। अब इसे हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया था, अब इसके बाद में जितने भी हम जो भी नंबर्स के बारे में डिटेल लेंगे, इवन और प्राइम कॉम्पोजिट जो कुछ भी, तो बस इन्हीं 20 एलिमेंट्स के अंदर की बात लेंगे, क्योंकि इसे हमने क्या कंसिडर किया, इसे हमने यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब जो भी नंबर्स की बात होंगी, डिस्कस होंगे, बस इन्हीं नंबर के रिलेटेड में होंगे। ओके, इसके बाहर के कोई नंबर हम काउंट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स है और वाई है, दो सेट है जिसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि हम सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट वीडियो में, एक वेन डायग्राम जो होता है, तो वही मैं यहाँ पे बताऊँगा। जैसे कि हम सेट बनाते हैं किसी भी नंबर का, अभी ये एक नंबर का सेट है, इसे हम वेन डायग्राम के तौर पर ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम यानी क्या होता है, बस इसे हमें सर्कल रेक्टेंगल के अंदर हमें नंबर्स लिखना होता है और कुछ भी नहीं, वो हमारा वेन डायग्राम कहलाता है। तो वेन डायग्राम के लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगल बॉक्स लेते हैं। ओके, इस तरह से, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, किसी भी कोने में यू ले लेना। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर 20 नंबर है, तो ये सभी नंबर हम इसमें लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो जब भी आप वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो रेक्टेंगल तो बना लेना, पर उसके अंदर नंबर्स नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, मैं आपको बताता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। अब हमें दो सेट देकर है, एक्स और वाई। ये तो बन गया, ठीक है। फर्स्ट है, एक्स इज अ सेट हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट, लिस्टेड मेथड में हम इसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर का सेट है जिसके अंदर जो नंबर है वो एक्स इज अ ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15, यानी 7 से बड़े और 15 से छोटे जितने भी नंबर है वो सेट एक्स के अंदर रिप्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि 7 से बड़ा 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14। 15 नहीं ले सकते, हमें 15 से छोटा चाहिए, ठीक है। तो ये जो नंबर है, ये सभी नंबर्स क्या है, सेट एक्स में प्रेजेंट है, ओके। वाई भी एक सेट है, हैविंग एलिमेंट एक्स वाई सच दैट वाई इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड वाई इज़ अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 तक के जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी इसमें आते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये सभी क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। अब हमें क्या करना है, इस एक्स और वाई को और सेट ए को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने कहा कि वेन डायग्राम के लिए जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके लिए रेक्टेंगल होता है, बाद में सभी सर्कल सर्कल हम बनाते हैं, सर्कल ओवल शेप जैसा भी आप चाहे बना सकते हो, ओके। तो मैंने क्या कहा था कि आपको पहले आपको ये एलिमेंट्स में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि देखो जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन होते हैं उसे नज़दीक नज़दीक लिखना है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इस तरह से दो सेट के लिए दो सर्कल बनाना होता है, ठीक है। और सर्कल बनाने के लिए क्या होता है, सर्कल क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब जैसे कि नंबर देखो 11, 11 दोनों में आया है, 13, 13 दोनों में आया, तो ये जो नंबर है ना दोनों सेट के अंदर रिप्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे, अगर यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे 13 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 11 लिख देता हूँ, तो ये दोनों इन दोनों सर्कल के अंदर कैसे आएंगे, वो सर्कल ही नहीं बनेगा ना। इसीलिए मैंने कहा कि नंबर जो है लास्ट में, सबसे लास्ट में फिलअप करना है। अब देखो क्या हो गया, ये सपोज़ कर लो कि एक्स सेट है, ये सपोज़ कर लो कि वाई सेट है एज अ वेन डायग्राम में, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में हमें 20 नंबर्स लिखना है, एक्स के अंदर ये सभी एलिमेंट्स लिखना है, वाई के अंदर ये सभी एलिमेंट्स लिखना है। अब ये जो बीच का जो पार्ट है, जो दोनों में कॉमन पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो इसके अंदर वो एलिमेंट लिखना है जो दोनों में प्रेजेंट है, जैसे कि एक्स में भी और वाई में भी। कौन कौन सा है, एक 11 है और एक 13 है, बस दो ही नंबर है ना, देख लो अच्छे से। तो अब क्या होगा, हम लिखेंगे 1, 1 दोनों के बाहर, क्योंकि ना इसमें 1 है ना इसमें 1 है, ठीक है। 2 वाई के अंदर 2 है, तो हम 2 को यहाँ लिखेंगे, कहीं पे भी लिख सकते हैं, बस सर्कल के अंदर 2। 3, 3, 4, 4 दोनों में नहीं है, 4, 5, 5 इसमें, तो 5, 6 देखो ये रेक्टेंगल में आप कहीं पर भी रैंडमली नंबर लिख सकते हो, ठीक है। 7, 8, 9 अब 10 सॉरी 8, 9 एक्स सेट में, तो एक्स के अंदर आना चाहिए 8, 9, 10, 11, 12, 11 नहीं लिखना है, 11 दोनों के भी अंदर है, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, यानी कि इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया। 13 यहाँ लिखेंगे, इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया, ठीक है। 12, 14, 15 दोनों में नहीं है, तो 15 बाहर, 16 बाहर, 17 बाहर, 18 बाहर, 19 बाहर और 20 बाहर। तो इस तरह से होता है वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना, ओके। तो हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल सेट, और ये दो सेट को वेन डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, दो सेट देकर है यू एंड पी, देन शो दैट सेट यू पी एंड पी डैश बाय वेन डायग्राम, वेरीफाई पी डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू पी। चलो पहले मैं दो सेट बना लेता हूँ, एक सेट है पी, पहले सेट है यू, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एंड सेट पी हैविंग एलिमेंट्स 1, 3, 7, 10। सो दैट
यू पी एन पी डैश बाय वेन डायग्राम। तो हमें क्या करना है, वेन डायग्राम से शो करना है। तो पी डैश गिवन नहीं है। पी डैश क्या होता है, डैश जब भी आता है तो समझ लेना जो जिसके ऊपर भी डैश है वो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट हमेशा हमेशा सबसेट होता है, ठीक है, किसी भी सेट का सबसेट होगा, ठीक है, वो कभी भी एक सिंगल सेट का नहीं होगा, वो किसी ना किसी सबसेट का ही कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, यू है हमारा यूनिवर्सल सेट, जब भी यू है मतलब कि यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यूनिवर्सल, अब पी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर के एलिमेंट ही होंगे, ठीक है। अब पी जो हो गया यू का हो गया सबसेट, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है वो यू में प्रेजेंट है, इसलिए पी हो गया यू का सबसेट। अब पी डैश, पी डैश मीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, पी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट रहेंगे, इसके अंदर वो एलिमेंट रहेंगे जो पी के अंदर नहीं है, वो बाकी सब पूरे इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 2 3 7 8 9 10 11 12, अब इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट पी में हैं वो हम पी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिखेंगे, जो इसके अंदर नहीं है बस वही लिखेंगे, जैसे कि 1 नहीं लिखेंगे, 2 इसमें नहीं है तो यहाँ 2 लिखेंगे, 3 है तो नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है नहीं लिखेंगे, 8 नहीं है तो 8 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 10 छोड़ देंगे, 11 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, ठीक है। तो देखना पी कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऐसे एलिमेंट जो पी के अंदर प्रेजेंट नहीं है वो सभी उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, ओके। तो ये हो गया, अब हमें क्या करना है, इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। सो बना लो एक वेन डायग्राम, रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट। तो हमेशा ध्यान में रखना कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट के अंदर कभी भी कोई भी कॉमन नंबर नहीं होते, तो दोनों को अलग अलग ही बनाना है हमें। ये हो गया हमारा सेट पी, ये हो गया पी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 पी के अंदर है, यू के अंदर है, तो 1, 2 से कॉम्प्लीमेंट में, 3 पी में, 4 नहीं है, 7 पी में और 10 पी में, बाकी सब पी डैश में, यहाँ पे 2 8 9 11 12, ठीक है। तो ये हो गया वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है ना तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा, ओके। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम का। अब हमें बताना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी यानी पी डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू पी होता है ना, ये क्वेश्चन है। तो कैसे बताएंगे हम, देख लो पी का कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ लिया पी डैश, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं नाउ, ये पहले भी सॉल्व कर लेते तो भी चलता था, ठीक है। वैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पी डैश का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, जो एलिमेंट इस सेट में नहीं है बस वही एलिमेंट हम लिखेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से। तो 2 8 9 11 12 को छोड़ के बाकी सभी नंबर लिखना है, 1 लिखना है, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्यों, 2 प्रेजेंट है, 3 7 नहीं है इसलिए लिखे, 8 प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है, 10 लिखे, 11 12 प्रेजेंट है, ओके। अब इसे देखो और सेट पी को देखो, 1 है 1 है, 3 है 3 है, 7 है 7 है, 10 है 10 है, सभी एलिमेंट है, मतलब कि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। हैंस व्हाट, पी इज इक्वल टू पी डैश ऑफ डैश, हैंस प्रूव्ड, ओके। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे कर रहे हैं, एक सेट दे कर रहे हैं आपको ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 2 7, आपको इसके कोई भी 3 सबसेट बनाना है। तो सबसेट क्या होते हैं, ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो, ठीक है, आप इन्फाइनाइट तो नहीं 4-5 बना सकते हो आप, ठीक है, तो कोई भी रैंडमली 3 लिख लेना, ठीक है। तो हम सेट बी ले लेंगे हैविंग एलिमेंट 1, सबसेट बन गया उसका, 1 ए में प्रेजेंट है, एक ले लो सी जिसके अंदर 3 7 ले लो, ये दोनों ए में प्रेजेंट है तो सबसेट हो गया, एक डी ले लो इसके अंदर 2 7 ले लो, सिंगल 2 भी ले तो भी जमता है, ठीक है। तो ये जो 3 होगा ये ए के सबसेट है, तो ऐसे आप रैंडमली कितने भी ले सकते हैं, मतलब जितने भी बनते होंगे 6-7 कोई भी 3 आपको लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे कुछ सेट हमें गिवन है,
उनके रिलेशन लिखना है, कौन सबसेट है कौन किसका सबसेट है करके, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे देखो, पी देकर एक सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे, पुणे में रहने वालों के लिए सेट पी है, और मध्य प्रदेश में रहने वालों के लिए सेट एम है, इंदौर में रहने वालों के लिए सेट आई है, और इंडिया में रहने वालों के लिए सेट बी है, एंड महाराष्ट्र में रहने वालों के लिए सेट एच है, ठीक है। तब आपको इसमें बताना है कौन किसका सबसेट है इस तरह से रिलेशन में। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, पहले तो देखना कि सबसे बड़ा कौन सा है उसके अंदर। देखो यहाँ पे क्या है, पुणे सिटी है, मध्य प्रदेश स्टेट है, इंदौर सिटी है, इंडिया कंट्री है, और महाराष्ट्र स्टेट है। तो सबसे बड़ा क्या होगा, कंट्री। तो हम क्या कर लेंगे, कंट्री को एक बड़ा सेट एज ए यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेंगे। इंडिया के लिए एच हमें गिवन है, तो ये हो गया इंडिया। अब इंडिया के अंदर स्टेट आते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो सपोज ये हो गया एक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए एम है, और महाराष्ट्र के लिए एच, इंडिया के लिए बी है, और महाराष्ट्र के लिए एच है। अब उसके बाद में दो सिटी, एक इंदौर है और एक पुणे है। अब हमें पता है जो पुणे है वो महाराष्ट्र में आता है और इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। अब इसको देख के आप क्लियरली बता सकते हो कि कौन किसका सबसेट है करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जितने भी स्टेट और ये सिटी सभी इंडिया के सबसेट हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फोर हेयर एम इज अ सबसेट ऑफ एच अगेन, सॉरी बी, एंड एच इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, सिमिलरली आई इज अ सबसेट ऑफ बी, एंड पी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये सभी अंदर के चारों भी बी के सबसेट हो गया। अब बात करें हम इंदौर की, इंदौर मध्य प्रदेश में आ गया, तो इंदौर सबसेट है मध्य प्रदेश का, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं यहाँ पे पुणे सबसेट है महाराष्ट्र का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। अगर आप इस तरह से एक वेन डायग्राम बना ले तो आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होती है। ओके, देन ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट। अब हमें बताना है कि इसके अंदर से कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट हो सकता है, जो कि हमने पहले से वेन डायग्राम के जरिए समझ लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेट यहाँ पे कौन सा दिख रहा है रेक्टेंगल में, इंडिया के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेट बी इज, सेट बी कैन बी अ यूनिवर्सल सेट। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे तीन सेट मिले हमको ए बी सी। ए सेट में 5 के मल्टीपल में नंबर से, बी सेट में 7 के मल्टीपल में नंबर है, और सी सेट में 12 के मल्टीपल में नंबर है, ठीक है। तो अब हमें कोई ऐसे सेट देखना चाहिए जिसके ये सबसेट हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये तीनों भी क्या इन्फाइनाइट सेट है, तो हमें क्या चाहिए, हमें इन्फाइनाइट सेट ही चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सभी पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं, तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे लिख सकते हो हेयर वी कैन चूज सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिनके ये सबसेट है, ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 अप टू इन्फाइनाइट। नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये सभी नंबर आ जाते हैं, ठीक है। आप ले सकते हो सेट ऑफ होल नंबर 0, 1, 2, 3, इसके अंदर भी सभी आ जाते हैं। या आप ले सकते हो सेट ऑफ रैशनल नंबर भी आप ले सकते हो, जैसे कि अभी 12 है, 12 मीन्स 12 by 1 आप लिख सकते हो, यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आप रैशनल नंबर भी ले सकते हो, नहीं रैशनल नंबर के लिए क्यू होता है, और आप रियल नंबर भी ले सकते हो, क्योंकि ये सभी नंबर रियल नंबर में भी आते हैं। तो इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो जिनके ये सबसेट कहलाता है, ठीक है। कोई इतना हार्ड क्वेश्चन था नहीं है, आप एन लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, या कोई एक लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट कर देना, चूज एज अ यूनिवर्सल सेट, ओके। ये पहला था, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, पी द सेट ऑफ इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 4।
मल्टीपल ऑफ 4 का इंटीजर यानी 4, 8, 12, 16, 20 अप टू सो ऑन, और टी इज सेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर, इवन स्क्वायर नंबर, 2 का 2 इवन है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इवन है, 4 का स्क्वायर 16, 9 इवन है, 9 का स्क्वायर 81, एंड ये भी नंबर सो ऑन चलेगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे भी, आप इनके भी, इनके लिए भी आप एज ए यूनिवर्सल सेट, आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले सकते हैं, होल नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं, रैशनल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सेम लाइन आपको यहाँ पे भी लिखनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट एंड लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु स्कोर्ड 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको लिखना है, एक मार्क के लिए आएगा शायद क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक सेट है ए, पहले तो हमारी जो क्लास है, पूरी क्लास ऑफ स्टूडेंट, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सभी यूनिवर्सल सेट में हमारे इंक्लूड हो गए। अब उसके अंदर सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो स्टूडेंट है उनको क्या मिले, 50% मार्क मिले या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स मिले इन मैथ, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट सेट बताना है, ठीक है। अब हमें बताए कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो ए सेट के अंदर नहीं होंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ए सेट के अंदर क्या नहीं है, ए सेट के अंदर वो स्टूडेंट नहीं है जिसको मार्क्स 50% से कम मिले, तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। आपको सर सेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यूँ ही बताया हो। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिस्क्राइब ऑल द स्टूडेंट हुज स्कोर इज बिलो 50% इन मैथ्स। बस इतना सा आपको लिखना था, ये ऊपर की लाइन आपको नहीं लिखना है। सो विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर, एंड यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।